अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो मेरा व्लॉग है वो सिर्फ किटन्स के बारे में है, और यहाँ पे मेरे जो ये किटन्स हैं ये 1 वीक के थे आफ्टर कैट डिलीवरी। तो माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव थे और देखें कितने क्यूट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई होप आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। तो ये यहाँ पे ना बड़ी मस्तियाँ कर रहे थे अपनी मदर के साथ ना वाइल्ड फीडिंग। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ ताकि आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। तो ये देखें किस तरह ये उसको मार रहा है। ये इनमें से 2-3 जो थे ना वो काफ़ी शार्प थे तो बाकियों को बहुत तंग करते थे। फिर यहाँ पर किटन्स मेरे ये 3 वीक्स के हो गए थे, इनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। ये खुद ही शिफ्ट करती है ना अपने बच्चों को, अपने किटन्स को। आई थिंक आफ्टर 1 वीक इस तरह करके ना किटन्स को शिफ्ट करती है 7 प्लेसेस पे। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे इनकी जगह बना दी थी। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव थे बच्चे, लेकिन इस टाइम पे बच्चे ना थोड़े से लेजी हो रहे थे। आई डोंट नो क्यों, शायद नींद में थे बच्चे, नीनो नीनो कर रहे हैं बच्चे, नीनो नीनो कर रहे हैं बच्चा पार्टी। अरे मेरी बेटों की नींद खराब हो रही थी। फीड डालते हैं ना जो मार्केट में मिलती हैं पैकेट्स, तो वो इनके लिए बहुत हेल्दी नहीं होता। तो मदर फीड भी कितना है करेंगे, मदर भी ज़्यादा थक जाती है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग ना, मेरा सजेशन है, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, आप इनको राइस बॉईल करके उसमें आप ना राइस बॉईल करें, उसके साथ आप कद्दू होता है ना पम्पकिन वो बॉईल करें थोड़ा सा, और साथ चिकन बॉईल करें बोनलेस, ठीक है। इन सबको बॉईल करके सेपरेट सेपरेट, फिर आप ग्राइंडर में ना वो कद्दू और राइस जो आप छान लेंगे वो राइस और चिकन डाल के ना थोड़ा थोड़ा बेशक इक्वल क्वांटिटी ले लें, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। आप ग्राइंड करेंगे ना तो सीरीलैक टाइप बन जाएगा एक पेस्ट। वो पेस्ट फिर उस पेस्ट में बाद में थोड़ी सी यखनी मिला के उसको थोड़ा सा और पतला कर लें, जितना आपने पतला रखना है उसको, जैसे आप क्वांटिटी चाहते हैं उसकी, वो फिर आप इनको डाला करें, अडल्ट कैट को भी और किटन्स को भी। तो ये इनके लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि जो फीड होती है ना वो बहुत गर्म होती है। अगर आप इनको ये डालेंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है, ठंडा भी है और वैसे भी बहुत फ़ायदा देता है इनको। बीच में कैरेट भी आप बॉयल करके ना वो भी ग्राइंड कर सकते हैं, थोड़ी सी कैरेट भी, लेकिन वो बाकी जितनी क्वान्टिटी बाकी चीज़ों की हो उनसे कैरेट की क्वान्टिटी कम हो। तो ये यहाँ पे बहुत शैतानियाँ करे थे, मैं इनको चिकन वगैरह खिलाया था ना, तो उसके बाद ये रिलैक्स हो जाते हैं खा पी के, फिर ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद ये बहुत खेलते हैं, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा खेल रहे थे यहाँ पे। ये देखें कैसे इसको, ये अभी ना इसके ऊपर नीचे बच्चे होते हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो काइंडली मैं आपको ये रेसिपी भी इस पर मैं पिक्चर लगा दूँगी, आपको मिल जाएगी। ये देखें किस तरह खेल रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। मैंने इनको हर टाइम मिल्क डाला होता है, फीड डाली होती है, चिकन डाला होता है, और वाटर भी हर टाइम इनके पास होता है। और जो मैं आपको जो रेसिपी बताई है वो मैं इनको दिन में 2 टाइम डाल देती थी या 1 टाइम डाल दिया, उसको आप फ्रिज में आपको बना के फ्रिज में ना फ्रीज कर सकते हैं, वो 2-3 दिन तो आराम से चल जाता है। बस 2-3 दिन ही रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखें उसको। अपने बच्चों को ट्रेन करिए लीटर के ऊपर ना, इसलिए मैंने छोटे इसमें रखा है ताकि बच्चे आराम से ना आ जा सकें। तो माशाल्लाह बच्चे बिल्कुल ट्रेन है, देखें जगह नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भी गंद नहीं मचाते ना, मैस क्रिएट नहीं करते हैं बच्चे, बस खेलते बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जिनके पास कैट्स होती हैं ना उनको पता होता है कि मतलब ये अनकंडीशनल लव कैसा है इनके साथ ना। बच्चे देखें, जो बच्चे बेबीज़ होते हैं ना वो किसी भी एनिमल के हों या इंसान के हों वो खूबसूरत ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं, उन पर बहुत प्यार आता है। फिर सुबह के टाइम मैं उठी थी तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ, देखें कैसे अपनी मदर के पास फीडिंग कर रहे हैं ये और सो रहे हैं माशाल्लाह। बस मैं कहती हूँ नज़र ना लगे। ये देखें मैं इनको ना अडॉप्शन के लिए दूँगी,
बस मैं, मेरा ये होता है कि मैं जहाँ दूँ तो वो फैमिली भी अच्छा, अच्छी फैमिली हो, इनको खिलाए पिलाए, खुश रखे, इनको ना सेल परचेज ना करे, क्योंकि उससे फिर ये तो हलाल भी नहीं है एक तो ये चीज़, और ना मुझे होता है बच्चे खाते पीते घर में जाएं, होता है ना कुछ लोग नहीं ख्याल करते हैं ये चीज़ तो फैक्ट है, कोई माने ना माने, और कुछ लोग बहुत केयर करते हैं, तो मैं अपनी तरफ से मेरा यही होता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ जहाँ मैं दे रही हूँ। ये देखें अभी हम फिर से थक गए हैं, मदर फिटिंग कर रहे हैं ये ऐसे ही करते हैं प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, ये देखें, और खुद ब खुद आपको जरूरत नहीं है इनको ट्रेन करने की, इनकी मदर खुद इनको ट्रेन कर देती है, जैसे ही बच्चे होते हैं थोड़ा ये लिटर वगैरह पे जाना शुरू करते हैं ना, तो मदर खुद ही ट्रेन कर देती है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रेन करने की, और बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं करते। ये देखिए अपने बच्चों को क्लीन कर रही है बच्चों को क्लीन कर रही है, और बच्चे फीडिंग चाह रहे हैं करना, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।